अगर हम यिल्लू बाइक घर पे लेके जाते हैं तो यिल्लू अगर बैटरी घर पे ख़त्म हो जाता है तो क्या करना है? यिल्लू का एक बैटरी कितना किलोमीटर तक माइलेज देता है? यिल्लू को कहाँ पे मिलेगा? यिल्लू चोरी हो जाता है तो क्या करें? यिल्लू को पहले ही पैसा पे करना है या लेने के बाद में पैसा पे करना है? आज का वीडियो में हम 100 वीडियो का इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देने वाले हैं यिल्लू के ऊपर, और ऐसे ऐसे जानकारी आपको जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ही फनी और बहुत ही आपको एंटरटेनमेंट होगा इस वीडियो में। भैया जो भी लोगों का कोई मेरा वीडियो में कमेंट है, मैं वो कमेंट का ऊपर आज आपको पूछूंगा, ठीक है? अगर हम यिल्लू बाइक घर पे लेके जाते हैं तो अगर बैटरी घर पे ख़त्म हो जाता है तो क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप घर में लेके गए, बैटरी ख़त्म हो गया, तो वो आपका नया रेस्ट यिल्लू जोन पर रख सकते हैं और दूसरा गाड़ी आप चेंज कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा भैया, यिल्लू का एक बैटरी कितना किलोमीटर तक माइलेज देता है? बेसिकली ऐप में दिखाता है 66 to 71 किलोमीटर, लेकिन आपको पूरा चलाएंगे तो 60 किलोमीटर माइलेज आएगा। उसमें से आपको 45 किलोमीटर चला के बैटरी चेंज करवाना है। कोई नया लोग ना, जिसको यिल्लू के बारे में पता नहीं, उन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यिल्लू को कहाँ पर मिलेगा? ऐप डाउनलोड करेंगे आप तो आपको पहले ऐप में शो करेगा कि किधर किधर बाइक है। उसके बाद आप रिचार्ज करेंगे तो आपका नियरेस्ट में कौन सा है वो दिखाएगा, उसको जाके सिंपली स्कैन करना है। स्कैन करेंगे तो आपको बाइक ऑन हो जाएगा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन था, स्विगी जोमेटो में काम करते करते यिल्लू में उनका शायद रेंट भरते भरते मन भर जाता होगा, डायरेक्ट उनको यिल्लू खरीदना चाहते हैं, डायरेक्ट खरीद सकते हैं क्या यिल्लू को? नहीं नहीं, यिल्लू खरीद नहीं सकते। यिल्लू का एक नया वर्जन आया है यून करके, वो आप खरीद सकते हैं। वो 55,000 है वो, आपका प्राइवेट हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल। पर डेक्स को और माइक्रो को नहीं खरीद सकते हैं? नहीं नहीं, डेक्स और मिराकल को नहीं खरीद सकते। भैया सभी का एक डाउट है, यिल्लू बहुत लोग यूज़ करते हैं, स्विगी जोमेटो वाले जो भी है, तो एक दिन में कितना बैटरी चेंज कर सकता है? उसमें कुछ लिमिट नहीं है। जैसे कि आपका कुछ चार्ज डाउन होगा तो उस ऐप में शो करेगा लो बैटरी करके, वो जितना बार आपका मतलब बैटरी डाउन होगा आप उतना बार चेंज कर सकते हो। पूरा दिन में अगर हमको 10 बैटरी चाहिए तो 10 भी चेंज कर सकते हैं? हाँ। ओके। और फ्री है या कुछ पैसा लगता है? नहीं, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोगों का भी डाउट रहता है, अगर हम फुल डेज के लिए यिल्लू रेंट पे लेते हैं पूरा एक दिन के लिए, तो कितना हावर्स उसको हमको मिलता है रेंट में? 24 आवर। जैसे कि आज सुबह हमने 6 बजे इसको ले लिया तो कब तक? कल सुबह छः बजे तक 24 आवर्स। 5 मिनट पहले आपको जोन पे रखना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन ही था, यिल्लू को हम कहाँ तक चला सकते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम बेंगलोर में रहते हैं तो कितना दूर तक मतलब ऐसे आउटसाइड भी जा सकते हैं क्या इसको लेके? नहीं नहीं, और पहली बात तो ये है ये उतना रेंज तक चलेगा नहीं जी, और अगर चल भी जाएगा तो बैटरी दूर पे ख़त्म हो जाएगा। और एक ये लोकेश भाई का कमेंट था, अगर यिल्लू मुझे मस्ती के लिए लेना है तो कैसे लेना चाहिए मस्ती करने के लिए यिल्लू को? अगर आपको फुल डे चाहिए तो आप रेंट पे ले सकते हो, अगर जस्ट 10-15 मिनट के यूज करना है तो आपको क्विक राइड करना है। क्विक राइड में आपको पर मिनट 2 रुपीज करके लेगा, वो आपको अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी। सो गाइस, ये सारा जो है आप लोगों ने मेरा वीडियो में कमेंट किया था, वही कमेंट नोट करके मैं भैया को पूछ रहा हूँ। अभी वेट कीजिए, और भी फनी कमेंट आपको सुनने के लिए मिलेगा। और भैया हमको यिल्लू ना कैश पेमेंट में ले सकते हैं कि अगर कोई लेना चाहता है, जैसे कि पेटीएम है इसमें ऑनलाइन से पेमेंट करना पड़ता है, अगर डायरेक्ट आपका ये जून में आता है ये मैक्स पॉइंट पर आता है तो कैश पेमेंट से भी ले सकता है क्या? अगर हमारे पास रहेगा तो हम करवा के देंगे। ओके। अगर नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है जी, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा मतलब। यानी कि कंपनी का तरफ से ऐसा कोई नहीं है कैश में करना है, बल्कि आप अगर आपके पास रहा तो आप फ्रेंडशिप का हिसाब से कर सकते हैं। हाँ। और एक क्वेश्चन था, यिल्लू को पहले ही पैसा पे करना है या लेने के बाद में पैसा पे करना है? देखो यिल्लू, पहली बात तो यिल्लू एक सिम कार्ड की तरह है, पहले रिचार्ज करिए फिर इस्तेमाल करिए। और लोडिंग कैपेसिटी कितना है, क्योंकि यिल्लू जो है कमर्शियली यूज़ हो जाता है डिलीवरी व्हीकल के ऊपर, तो जो पीछे में कैरियर होता है यिल्लू डेक्स का, उसमें लोडिंग कैपेसिटी कितना होता है रहता है? कैरियर में लिखा रहता है 10 kg, लेकिन आप मैक्सिमम 15 kg तक लेके जा सकते हो। सभी लोगों को ये बात तो पता है, फिर भी आपका क्वेश्चन था, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। कोई लोग होता है कि पार्ट टाइम करना चाहता है स्विगी जोमेटो में, या तो कोई किसी भी हो पार्ट टाइम, वो 4-5 घंटे के लिए लेना चाहता है, तो वो उसको कैसे लेना चाहिए? उसका हिसाब से भी यिल्लू मिलता है पार्ट टाइम के हिसाब से? हाँ मिलता है, जैसे कि भैया ने पिछले वीडियो में बनाया था कि किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, तो आप किलोमीटर आपका मनपसंद किलोमीटर देखिए वो बाई करिए।
आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा था क्या? देखा था। सही बात है, मुझे लगा आप मुझे नहीं पहचानते जैसा लगा था। गाइस थोड़ा वेट कीजिए, और भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, जो भी मन में डाउट था वो सब क्लियर होने वाला है। और एक बहुत बढ़िया आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इल्लू लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर वो उस कूपन कोड को यूज़ करते हैं आपको इंस्टेंटली 230 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाता है। और भैया इल्लू लेने के बाद हमको सिर्फ बैटरी इधर ही चेंज करना है या घर पर भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं? नहीं, घर पे नहीं कर सकते, आपको नज़दीकी में एक्सपोर्ट। भाई बोलते हैं कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो क्या मैं इल्लू चला सकता हूँ? ऐसा कुछ ऑफ कोर्स चला सकते हो आप लोग। एक तो इल्लू में ना हेलमेट ज़रूरत है ना लाइसेंस ज़रूरत है, फिर भी सेफ्टी के लिए हेलमेट आपको लगाना पड़ेगा। जी मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं है, आपका मन के ऊपर है। जी मतलब वैसे लगाते नहीं, 100 में 2 आदमी 5 आदमी लगा लेते हैं। हाँ सेफ्टी के, हाँ उसमें नो रिक्वायरमेंट डायरेक्ट बताएं तो लाइसेंस और ये नो रिक्वायरमेंट है। कॉमेंट था, अगर हम स्विगी जोमेटो में काम करते करते जब पार्सल डिलीवरी करते हैं, अगर हम होटल में जाएंगे या पार्सल डिलीवरी करने के लिए जाएंगे, उस समय अगर इल्लू चोरी हो जाता है तो क्या करें? बेसिकली चोरी नहीं होता है, वो जो यूज करते हैं उनका थोड़ा फॉल्ट रहता है, उनको लॉक करना चाहिए। अगर लॉक नहीं करेंगे तो कोई और लेके चला जाता है। अगर वो कोई और लेके चला गया तो उधर ऑप्शन है मेन्यू में जाने के बाद लॉकेड व्हीकल बोल के, तो आप लॉकेड व्हीकल करेंगे तो आपका गाड़ी किधर है शो करेगा। अगर पास में है तो आप जाकर ले सकते हो, नहीं तो गाड़ी को लॉक करके दूसरा गाड़ी चेंज कर सकते हो। और एक क्वेश्चन था, कमेंट था किसी भाई का, बहुत फनी क्वेश्चन था, रेंटल प्लान ख़त्म होने का पहले अगर इल्लू ख़राब हो जाता है तो क्या करें? वही सिंपल सी बात है, आपका हफ्ते में एक गाड़ी फ्री चेंज करने के लिए ऑप्शन रहता है, आप वो चेंज कर सकते हैं यूज़ करके। मतलब कि अगर रेंटल प्लान ख़त्म होने का पहले गाड़ी ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर सकता है। या एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही फनी क्वेश्चन है, एक भाई ने किया था, वो अरुण भाई ने किया था, तो उन्होंने कहा कि इल्लू बाइक उसने घर पर लेके गया था और उसमें घर पर ही बैटरी ख़त्म हो गया। उसने इल्लू को ईमेल किया है कि मेरा गाड़ी का बैटरी ख़त्म हो गया, उसका 2 दिन हो गया पर उनको अभी तक इल्लू रिप्लाई नहीं किया है, उसको आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे महान व्यक्ति को? इस बारे में तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन देखिए वो गाड़ी रेंटल पे लिया हुआ है ना, तो हम लोगों का एक टीम है, उनको बोलते हैं पायलट बोल के, तो वो गाड़ी रेंटल पे है तो उनको शो नहीं करता है। अगर वो दूसरा गाड़ी चेंज करेंगे तो वो मैप में शो करेगा कि इस गाड़ी में बैटरी नहीं है, तो वो पायलट जाएगा खुद बैटरी उसमें चेंज करेगा। बिल्कुल बहुत बहुत सही जवाब है। पर ये जो क्वेश्चन था शायद ये भाई ने फनी टाइप से पूछा था या ऐसे जानबूझ के पूछा है पता नहीं है, पर बहुत फनी टाइप का क्वेश्चन है ना, मैन तो वही है जो भैया ने बताया। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपके मन में कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ है आप कमेंट कीजिएगा, मैंने भैया का कुछ नहीं पूछ पाया या फिर मैंने आपको कुछ नहीं बता पाया तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस ये भैया के लिए 1 लाइक ज़रूर करना, इतना बढ़िया क्वेश्चन जो भी सवाल है हमारा कितना बढ़िया तरीका से दिया है, क्योंकि ये जो वीडियो है 10 वीडियो आप देखने से भी उतना नॉलेज नहीं मिलेगा इल्लू का ऊपर में। सो गाइस ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।